वक्री गुरु के बारे में आज से पहले आपने सुना तो बहुत होगा, किंतु अब आ गया है वो समय जब वक्र गति में पूर्ण युवा अवस्था लेकर देवगुरु बृहस्पति इन छह राशि वाले जातकों के जीवन में करने जा रहे हैं धन की बौछार, या फिर कहा जा सकता है कि वक्र गति में पूर्ण रूप से बलवान होकर इन छह राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति दिखाते हुए पाए जाएंगे अपना जलवा। कौन सी है वह छह महाभाग्यशाली राशियां, यह जानकारी देने से पहले आपको बता दूं ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। तो पहली राशि, जिस राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्र गति में पूर्ण युवा अवस्था लेकर देने वाले हैं आपके मनोरथों को पूर्ण करने का वरदान, वह राशि होगी मित्रों मेष राशि। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति स्थित तो द्वादश भाव में हैं, किंतु आपको फल दे रहे हैं एकादश भाव का, और जब पूर्ण अवस्था में आ चुके हैं तो आपके मनोरथों को देवगुरु बृहस्पति अवश्य रूप से करते हुए पाए जाएंगे पूर्ण। आय में वृद्धि करेंगे, बड़े भाई बहनों के सहयोग की स्थितियां आपके पक्ष में लाएंगे, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां आपके लिए लाने वाले हैं। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां मेष राशि वाले जातकों के लिए अद्भुत रूप से बनाते हुए पाए जाएंगे। बुद्धिमता चातुर्यमता के दम पर आप अपनी विद्या क्षेत्र में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार की स्थिति, और साथ में ही दैनिक रोजगार दाम्पत्य जीवन में बड़ी ही मधुरता और श्रेष्ठ ऊंचाइयों का देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं आपको वरदान। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए वक्र गति में युवा अवस्था लेने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं भाग्य के द्वार, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी होकर वक्र गति में युवा अवस्था लेकर देवगुरु बृहस्पति परिपूर्णता से देते हुए पाए जाएंगे आपको भाग्य का साथ। अद्भुत रूप से अब आपको अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है, जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता की स्थिति निकाल कर देंगे, विदेश से आपको उच्च स्तरीय लाभ प्राप्त हो इस प्रकार के अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, पंचम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी मूर्ति बनाते हुए पाए जाएंगे, और यही ज्ञान स्वरूपी मूर्ति समाज में परिवार में कुटुंब में कर्म क्षेत्र में आपको देने जा रही है श्रेष्ठ ऊंचाइयां। पराक्रम का आपको परिपूर्णता से लाभ मिले, जो भी आप मेहनत करें उसका लाभ आपके लिए एक्टिवेट करेंगे, और आकस्मिक लाभ सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों के कुछ ना कुछ अवश्य रूप से खुलते हुए पाए जाएंगे आपके लिए नए द्वार। अद्भुत रूप से आपके लिए भी युवा अवस्था में वक्र गुरु करने जा रहे हैं एक नया चमत्कार। अगली राशि, जिस राशि के लिए वक्र गुरु अद्भुत रूप से लाभ की स्थितियां प्रदान करने वाले हैं वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं, किंतु वर्तमान समय में आपके अष्टम में चल रहे हैं, इस स्थिति में तो गुरु को अच्छा नहीं माना जाता, किंतु जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के रिजल्ट देंगे वो भी वक्र गति में युवावस्था में आकर, ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक शुभ संकेत माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध, यदि सिंह राशि के एक जातक हैं आप, अविवाहित हैं, कन्या या बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है, उनको विवाह के श्रेष्ठ अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का क्लह क्लेश चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, वो समाप्त होगा। डेली वेजेस, जो भी अर्निंग के स्रोत आपके बने हुए हैं वो आपके पक्ष में आएंगे, मनोरथों को पूर्ण करेंगे, आय में वृद्धि, व्यक्तित्व की स्थितियों को निखार कर देंगे, और व्यापारिक यात्राएं जो आपके द्वारा की जाएगी इसमें आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होने जा रही है निर्मित। अद्भुत रूप से आपको भी देखने को मिलेंगे बड़े ही श्रेष्ठ लाभ। अगली राशि, जिस राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ गति से युवा अवस्था में वक्री गुरु खुलने जा रहे हैं भौतिक सुखों के द्वार, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पंचम के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं, वक्र गति में आपके चतुर्थ भाव का लाभ आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे, तो भौतिक सुखों से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपके रुके हुए हैं इनको आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे,
भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा कुछ भी खरीदने से रिलेटेड या कोई कार्य में आपके पैसे फंस चुके हैं, उन स्थितियों से आपको बाहर निकालकर नए भौतिक सुखों के आयाम आपके लिए उपस्थित करने जा रहे हैं। जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव, किसी प्रकार से मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, जो भी नकारात्मक दृष्टिकोण जो कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहता, उन स्थितियों से मुक्त कर कर्म क्षेत्र में आपको देने जा रहे हैं अद्भुत रूप से लाभ। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, आपको कर्म क्षेत्र में अब देवगुरु बृहस्पति का मिलने जा रहा है श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्राप्त करने का आशीर्वाद। और इसी के साथ में यदि आप बाहर विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश में पीआर चाह रहे हैं, तो भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अद्भुत रूप से लाभ प्रकट करते हुए पाए जाएंगे। अगली राशि जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्र गति में मेहनत तो करवाएंगे किंतु मेहनत के परिपूर्णता से लाभ भी आपके सामने लाकर उपस्थित करने जा रहे हैं, वह राशि होगी देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की ही राशि धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं, पराक्रम का आपको फल देने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पराक्रमी बनाएंगे। और पराक्रमी व्यक्ति क्या करता है, परिपूर्णता से मेहनत। अब मेहनत हर व्यक्ति करने को तैयार है किंतु एक ही जगह आकर व्यक्ति को निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि जब मेहनत करता है उसके रिजल्ट नहीं आते तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डीमोटिवेट होता है। किंतु अब देवगुरु बृहस्पति आपको डीमोटिवेट नहीं होने देंगे, आपकी मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट निकालकर आपको परिपूर्णता से मोटिवेट भी करेंगे, आपको भाग्य का साथ भी जोड़ देंगे और आपकी ही मेहनत से आप अपने मनोरथों को, अपनी डिजायर्स को पूर्ण करें, इस प्रकार के नए अवसर आपके लिए उपस्थित करने जा रहे हैं। और अंतिम राशि जिस राशि के लिए वक्र गति में देवगुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं ज्ञान के भंडार, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धन भाव के स्वामी होकर वक्र गति में युवावस्था प्राप्त कर आपके लग्न के प्रभाव देने जा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही ज्ञान स्वरूपी योग में परिवर्तित करेंगे। आचार विचार व्यवहार स्वभाव इनमें सब में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अपने और अपने परिवार को कैसे उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए इसकी जागृति आपके अंदर उत्पन्न करेंगे और उस जागृति का फल क्या होगा, तो आकस्मिक लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार और दिनचर्या के अंदर आपके एक बड़े परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा बदलाव देने जा रहे हैं, किसकी कृपा से, देव गुरु बृहस्पति की कृपा से। और इस स्थिति के चलने के पश्चात क्या होगा, तो जुड़ जाने वाला है आपके लिए भाग्य का साथ। जी हाँ, भाग्य का साथ आपके ही कर्मों के फल देकर, आपके ही मनोरथों को पूर्ण कर, आपके ही दैनिक जीवन में नया परिवर्तन कर भाग्य का साथ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। तो ये हैं वो 6 महाभाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए वक्र गति में युवा अवस्था प्राप्त करने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।